जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाय करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। ये अब से मैंने बाइलिंगुअल कर दिया, ठीक है। 150 क्वेश्चन मैंने हिंदी में कराए थे, उसको भी मैं आपको इंग्लिश में दे दूंगा, अब से डेली बाइलिंगुअल ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा शुरू होगा 151 नंबर से। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी है, उसको फॉलो करिए अच्छे से, विद मैप सब कुछ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे देखेंगे। तो 151 में कह रहा है, भारतीय मानक समय जो है वो निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, अलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका ये है, जब आपको याद हो मैंने आपको बताया था भारत की जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ कहाँ से जाती है, यूपी से जाती है भाई, छत्तीसगढ़ से चली जाती है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है, और यूपी में आपको अगर पता हो मिर्ज़ापुर के पास जाती है। तो मिर्ज़ापुर के पास कौन से ज़िले लगते हैं भाई, अलाहाबाद लगता है, अगर आपने यूपी मैप को अच्छे से फॉलो किया, मैंने पूरे मैप पढ़ाए आपको। लखनऊ तो काफ़ी दूर है, मेरठ तो आपको पता है इधर ही साइड है भाई, है ना, बहुत ही दूर है, मुजफ्फरनगर भी इधर ईस्ट साइड है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 152 देखते हैं, कह रहे यदि अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा। बहुत ही लड्डू सवाल था, आपको अगर पता हो भाई हम लोग कर चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, कितना, 2 घंटे का, है ना। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे कितना बज रहा है सुबह का 5, तो यहाँ कितना बजेगा भाई, सुबह का 7 बज रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ सूरज 2 घंटा देर से उगता है, यहाँ 2 घंटा पहले उग जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भैया, कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार में, लक्षद्वीप या मद्रास, ठीक है। तो आपको बताओ भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कहाँ है, इंदिरा भवन, जो कि ग्रेट निकोबार में है। मैप दिखा देता हूँ, ये मैप देखिए आप, ये देखिए ये जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे इधर सदन में आपको दिखेगा इंदिरा पॉइंट, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर, और कोई बड़ी बात नहीं, इसका भी नाम बहुत जल्द आपको हो सकता है चेंज होते भी दिखे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम, ठीक है। कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता बांग्लादेश से, तो आइए इसको भी मैप में देखते हैं पहले। तो ये मैप देखिए आप, ये दिख रहा है आपको बांग्लादेश भाई, इधर आपके क्या है, आपके वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा, इधर आपका असम भी है, मेघालय है, इधर आपका दिख रहा है ये त्रिपुरा है, ये क्या है, त्रिपुरा है, ये क्या है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम भी है। तो कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे मणिपुर जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो आइए इसका भी मैप देखते हैं, इजी मैप में आप देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये बॉर्डर शेयर करता है बस म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, असम, ठीक है, ये बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। अगला देखते हैं, 156 कह रहे हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से कौन बनाता है, ये तो सभी को पता होगा भाई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए हिमाचल तो बनाता नहीं, तो ये तो यहीं गलत हो गए, है ना। तो सबसे आसान आपको कौन सा दिख रहा है, आपको एक तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 157 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो ये मैंने अभी बताया आपको, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में, इसको आप खुद ही पहचान सकते हो कि कौन नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, क्योंकि इधर आता है वो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मेंस का 2024 के लिए ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको GS 1 से लेके GS 6 के सारे नोट्स मिल जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स को जो लिंक करा जाता है पूरा करंट अफेयर्स भी मिलेगा।
यूपी बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी है सब कुछ एक ही जगह पे। तो अगर आप लेना चाहते हैं पूरा स्टडी मटेरियल तो ले सकते हैं नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आंसर लिखना सीखना चाहते हैं। 158 कह रहा है कि द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके बीच, डोरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, मैग्नी नोट या रैडक्लिफ लाइन। तो ये तो बेहद आसान है दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रैडक्लिफ लाइन। डोरंड लाइन क्योंकि अगर आपको याद हो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आती है, वो है ना, पहले इंडिया अफगानिस्तान के बीच में एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम में बनाई गई थी इंडिया अफगानिस्तान के लिए, अब इस टाइम तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ही अलग करती है। मैकमोहन इंडिया चाइना के लिए है, इंडिया चाइना। मैगी नोट लाइन पता है आपको किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी इसके बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं, मैकमोहन लाइन फॉर्म बाउंड्री बिटवीन, तो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया इंडिया और चाइना के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये एकमात्र त्रिपुरा है जो तीन तरफ से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, है ना, कौन, त्रिपुरा, किससे करता है, बांग्लादेश से, याद रखना तीन साइड से बॉर्डर शेयर करता है। 161 कह रहा है भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया है, द पैलियो मैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंडमार्क हैज मूव्ड, कहाँ पे मूव करा है, तो भाई देखो इंडिया इधर था पहले जो नॉर्थवर्ड मूव करा है ना, कहाँ मूव करा है, नॉर्थवर्ड। आपने फेमस मैप तो देखा होगा है ना, इंडिया से मूव करते करते आगे यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है तभी तो हिमालय बन रहे हैं, हिमालय के पर्वत और ऊंचे होते जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं ये आगे जा रहा है तो ये और उठ रहा है, ठीक है, नहीं तो पहले इंडिया इधर था फिर आगे गया फिर आगे गया फिर आगे गया, ऐसे मूव कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, 162 कह रहे हैं निम्न वाक्यातों में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इंग्लिश में देखें अगर, ऑल रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम हिमालयंस आर परिनियल, इसका मतलब ये है कि 24/7 365 डेज इनमें पानी रहता है वर्ष भर, तो बिल्कुल ठीक है। क्यों पानी रहता है इसमें, क्यों रहता है आपको पता है इसमें, क्योंकि ये ग्लेशियर्स का सोर्स है इसलिए इसमें पानी रहता है। और यहाँ कारण क्या दिया है कि हिमालय को पानी मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से, तो इसलिए थोड़ी है गलत, मतलब देखिए ये भी सही है, हिमालयस को कहाँ से पानी मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है, ठीक है, पर उसकी वजह से थोड़ी पानी वर्ष भर भरा रहता है, पानी तो वर्ष भर भरा रहता है कि हिमालय नदियाँ जो है ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये दोनों सही है पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, द फ्लैट प्लेन्स अलोंग सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको भाई, तराई, दून, खादर या भाभर। तो पहले आप ये एक इमेज देखिए, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय के थोड़ा इधर आएंगे जैसे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा ऋषिकेश वगैरह में, तो वो भाभर रीजन हो गया। जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे जहाँ पत्थर नहीं मिलेंगे, ये ऐसे घास के मैदान और पानी मिलेगा दलदली, वो तराई रीजन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके थोड़ा आगे आएंगे तो आपको भांगर रीजन मिलेगा, थोड़ी मिट्टी वाला क्षेत्र मिल जाता है वैसा, और फिर खादर रीजन मिलता है बलुई मिट्टी टाइप, है ना, तो ये चीज़ होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाभर, है ना, फ्लैट प्लेन्स उप हिमालय, तो जैसा कि दिखाया मैंने आपको उप हिमालय, ये सब हिमालयन रीजन्स के पास है ना, ये देख सकते हो, अब ये देखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाभर रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र किसके उदाहरण है भाई, मध्यभूमि स्थिति के, अंतरा पर्वतीय स्थिति के, गिरिपद की स्थिति के या अनुसमुद्री, मतलब मिडलैंड, इंटर माउंटेन, पीडमोंट या लिटोरल रीजन। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पीडमोंट सिचुएशन, पीडमोंट मतलब गिरिपद, गिरिपद मतलब पर्वतों के, आपको मैंने डायग्राम दिखाया ना पैरों के पास, ऐसे याद रखो गिरिपद पर्वत के पैरों के पास है ना, तो भाभर रीजन क्या है, पर्वत के पैरों के पास, तो इसलिए इसको बोलते हैं गिरिपद या पीडमोंट, ठीक है। 165 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, है ना, सबसे नई कौन सी है, विंध्यास, कोडप्पा, धरवाड़ या गोंडवाना। तो गोंडवाना आपको पता होगा दोस्तों ये सबसे नवीनतम है, गोंडवाना सबसे नवीनतम है। और सबसे ओल्डेस्ट पूछ ले अगर,
ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम भारत का कौन सा है दोस्तों? तब तो आप बताओगे आर्कियन सिस्टम, आर्कियन जो कि यही दक्षिण वाला है, दक्षिण भारत का हिस्सा मोस्टली, यह आर्कियन सिस्टम में आता है। चलिए अगला देखते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई है वो पश्चिम हिमालय में कितना होता है? कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयस द हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयस क्या होगा? कम होगी, ज़्यादा होगी, या सेम होगी, या अनरिलेटेड वेरिएबल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जैसे पूर्वी हिमालय की बात करें, ईस्टर्न हिमालय मतलब इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और इधर वेस्टर्न हिमालय यानी जम्मू कश्मीर, और इधर सब बात करें, तो यहाँ पे जो ट्री लाइन है वो कैसी होगी? कम होगी। क्या होगी ट्री लाइन? कम होगी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी ऊंचाई नहीं हो पाती इसकी, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी होती है। तो ट्री लाइन वेस्टर्न हिमालय में कम होती है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है। 167 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स? तो मैं आप दिखाता हूँ पहले, अब ये देखिए, ये आपको पटकाई पाम हिल्स दिख रही है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है भाई, यहाँ क्योंकि मिरी, ये देखिए मिरी, डाफला, एबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के बगल में आओगे नागालैंड में पटकाई हिल्स है ना, नागा हिल्स, फिर मिकिल, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, फिर मणिपुर मिजोरम, यहाँ आप ये देख रहे हो लुसाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिकिल हिल्स, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो पटकाई पहाड़ियों का हिस्सा कौन नहीं है? त्रिपुरा नहीं होगा, ठीक है, कौन सा पटकाई पहाड़ियों का हिस्सा नहीं? त्रिपुरा नहीं, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों होंगे। यहाँ चाहे तो एक बार फिर देख लो, अरुणाचल प्रदेश सही है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है यहाँ पे पटकाई हिल्स, है ना, क्योंकि ये पटकाई बम ये पूरी एक ही आती है। 168 क्या कह रहा है? पीर पंजाल इज लोकेटेड इन, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड? तो सबसे आसान है तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन? निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली या लद्दाख प्लेटू? ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज कर सकता हो, अक्साई चीन का पार्ट कौन है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली या लद्दाख प्लेटू? तो ये मैप आपको दिख रही है अक्साई चीन रीजन, ये लद्दाख प्लेट्यू में आता है। किस में आता है? लद्दाख प्लेट्यू, है ना, क्योंकि काराकोरम रेंज इधर आ जाती है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है अक्साई चीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना के पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों, पर्वत प्रणालियों में से कौन पुरानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? आरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी? तो सबसे पुरानी की बात करेगा तो ये तो आपको पता होगा कि आरावली सबसे पुरानी है ना, आरावली जो है सबसे पुरानी है, माना जाता है कि ये और शायद 1.5 बिलियन साल पहले बनी होंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं, ओल्ड फोल्ड है ये, है ना, आरावली इसको। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूअल माउंटेन, रेसिड्यूअल का मतलब होता है जैसे मानिए पर्वत है, अब लाखों साल से इसमें हवा चल रही है, पानी चल रही है, तो ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है ना, जैसे हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली, तो कौन रेसिड्यूअल पर्वत है? बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल सही, अरावली जो है रेसिड्यूअल है, क्योंकि अब इसकी इतनी हाइट नहीं है, है ना, पहले अरावली बहुत ऊँचे ऊँचे थे भाई, 1.5 बिलियन साल पहले गए हैं, इतने साल उसमें हवा पानी कटाव तो हो गई, तो वो छोटे हो गए, ठीक है। और माउंट एटना आपको पता ही है कहाँ है? इटली में है, किलिमंजारो तंजानिया में है आपका, और हिमालय पता ही है आपको। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? अनाईमुडी, डोडाबेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? तो पता होगा दोस्तों अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्लीज़ इन सबको याद रखिएगा, ज्योग्राफी में यही सब प्रश्न आपको घुमा के पूछेगा, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको दे रहा हूँ विथ मैप, तो थोड़ा बारीकी से भी करेंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको प्लेस इन न्यूज़ ऐसे करके पूरे वर्ल्ड की चीज़ें कवर कर ही देता हूँ, है ना, अगर आप उसको लगातार फॉलो करेंगे आप ज्योग्राफी में मास्टर बन जाएंगे, मतलब कभी भी आप पेपर देंगे तो ज्योग्राफी के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे, इतना तो मेरा वादा है। ज्योग्राफी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, मतलब UPSC में ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल उसको पढ़ा है मैंने, तो मुझे मज़ा आता है उसमें। चलिए खैर, हम लोग देखते हैं अब भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, तो अभी बताया सेम वही चीज़ हो गई भाई, है ना, अनाईमुडी, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि ऐसे दक्षिण भारत की या इंडियन पेनिनसुला की, तो अनाईमुडी। चलिए एक बार अनाईमुडी को मैप में दिखा देता हूँ, ये दिख रही है अनाईमुडी आपको, है ना, ये है आपका अनाईमुडी,
अगला देखते हैं, कह रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, विंध्यास पर्वत, सतपुड़ा, राजमहल हिल्स या अरावली हिल्स। तो इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये बह रही है नर्मदा, नर्मदा नदी बहती है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में पहली चीज़, और फिर ये नर्मदा और तापी इसके बीच में कौन है, सतपुड़ा रेंज है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, क्या बोला है मैंने फिर से बताता हूँ आपको, आप दिख रहा है ये विंध्यास है, ये सतपुड़ा है, यहाँ से बह रही नर्मदा विंध्यास सतपुड़ा के बीच से, और नर्मदा और तापी के बीच में है आपकी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। फिर ये महादेव हिल्स भी यहीं पड़ती है, ये अरावली है आपकी, ये सब पता ही है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। अगला, निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाई एट अ जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पे कौन है, अन्नामलाई, पढ़नी, नंदी हिल्स या नीलगिरी हिल्स। बहुत ही फेमस सवाल है एग्जाम्स के लिए, तो इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, है ना, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो ट्राई जंक्शन पे हैं, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनके ट्राई जंक्शन पे पड़ती है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो डोडा बेटा बताओगे, क्या बताओगे, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है वैसे, ठीक है, राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु बता देना, ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल्स की, ठीक है, और नीलगिरी हिल्स पूछेगा तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बता देना। नीचे दिए गए में पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम लगाना है, मतलब सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ दिस हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ लगाना है आपको, सतमाला हिल्स, कैमूर, पीर पंजाल, नागा हिल्स। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं पता होगा तो आपको ये तो पता ही होगा भाई कि पीर पंजाल कहाँ पे है, अभी बताया था मैंने आपको जम्मू कश्मीर में, उसके बाद नागा हिल्स आ जाती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, नागा हिल्स नागालैंड में होंगे। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कैमूर रेंज आपका एमपी में पड़ जाता है, और सतमाला हिल्स आपको पता होगा महाराष्ट्र में है ना, मतलब अगर मैं ऐसे भारत का मैप ड्रॉ कर दूं तो सबसे इधर आपको दिखेगी कौन सी, पीर पंजाल रेंज, इधर नागा हिल्स है आपकी, और इधर आपकी सतमाला हिल्स है, और इधर आपकी एमपी में कैमूर रेंज है, ठीक है। तो कैसे लगाना है आपको, ऐसे लगाना है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो सबसे उत्तर में है पीर पंजाल, सबसे उत्तर में क्या है, पीर पंजाल, जो कि आपको तीन में दिख रहा है, तो तीन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में, सिर्फ बी में, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव पहाड़ियाँ या सतमाला पहाड़ियाँ। तो आपको महाराष्ट्र की देखिए बस ये याद रखनी, एक तो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महादेव रेंज, महाराष्ट्र की बस ये याद रखो, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, महादेव, बालाघाट। मांडव हिल्स की अगर बात करेगा तो वो एमपी में है, ये आपको एमपी में दिखेगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गर्जत पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव महाराष्ट्र, नल्लामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, शेवरो हिल्स तमिलनाडु। तो काफ़ी आसान है क्योंकि अभी बताया मैंने, मांडव पहाड़ियाँ आपको एमपी में है ना कि महाराष्ट्र में, गर्जत पहाड़ियाँ याद रखना उड़ीसा में है, नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश, शेवरो हिल्स तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट की बात कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 179 में आपको मैचिंग करनी है, ठीक है, ये राज्य है और उसकी सबसे ऊँची चोटी है, जैसे केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नागालैंड की क्या है, उत्तराखंड की क्या है, तमिलनाडु की क्या है, ठीक है, ये आपको मैच करना है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, कौन सी है, अनाईमुडी, ठीक। दूसरा, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, कौन सी है, सारामती। उत्तराखंड की आपको पता ही है नंदा देवी, और तमिलनाडु की डोडा बेटा, ठीक है, और डोडा बेटा नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु हैज सक्सेसफुली क्लाइंबिंग इन माउंट एवरेस्ट, तो ये कौन है भाई, बछेंद्री पाल, ये कौन है, बछेंद्री पाल, ठीक है। अगला कह रहा है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, एवरेस्ट, सियाचिन, माउंट केटू या करगिल, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, तो आपको अगर पता हो, देखिए एवरेस्ट तो नेपाल में आ जाता है, माउंट केटू सबसे ऊँचा है, ठीक है, तो ये ही माना जाएगा, हालांकि ये पीओके रीजन में आता है, और अगर यहाँ कंचनजंगा दिया होता तो आप उस पर टिक करते, तो अभी तो केटू ही सही माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, मतलब आपको ईस्ट से वेस्ट में
सीक्वेंस सेट करना है ईस्ट से वेस्ट में, मतलब ऐसे चलना है आपको इस तरफ से, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, दूसरा है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमाऊ, नामचा बरवा, या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। प्लीज़ इसको थोड़ा मतलब एनालिसिस करिए, आप इस पर आराम से बता सकते हैं। फिर आप नहीं पता तो मैं बताता हूँ, नामचा बरवा आपको पता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, है ना, इस साइड। फिर आपको दोबारा आएगा, फिर कंचनजंगा आता है, कंचनजंगा है ना, फिर कंचनजंगा आएगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आता है, फिर नंदा देवी आएगा, है ना। तो इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप इस टाइप के मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, देखिए नामचा बरवा, क्योंकि इससे प्रश्न ज़रूर आता है ना। नामचा बरवा के बाद आपको कंचनजंगा दिखता है, फिर मकालू आता है, फिर लोत्से, फिर एवरेस्ट, छोयू पर्वत, है ना, फिर आपको शीशा पंगमा, मनासलू या मानासलू बोल सकते हैं, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद आप इधर देख सकते हो फिर नंगा पर्वत, इधर नंदा देवी वगैरह भी है, फिर आपको दिखता नंगा पर्वत, है ना, फिर कहीं केटू। तो ऐसे आपको इनमें से ज़रूर आता है एक ईस्ट से वेस्ट लगाने में, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा एक बार। तो इसका आंसर तो डी हो गया। अगला है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी या त्रिशूल। तो मुझे पता है आप किस में कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, कामेट आपको पता है, नंदा देवी भी पता होगा, गोसाई थान, त्रिशूल में आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये मैप जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो शीशा पंगमा, इसी को गोसाई थान माउंटेन बोलते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास है ना, तो शीशा पंगमा या गोसाई थान भी इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर तो इसका ये हो गया। कामेत आपको पता है उत्तराखंड में है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, त्रिशूल भी उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज़ दी नीलांग वैली लोकेटेड। तो कहाँ पे है नीलांग वैली भाई, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। कहाँ पे है नीलांग वैली, बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मैच नहीं कर रहा है। पासेज हैं ये, चांगला पास जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला पास उत्तराखंड। कौन सा गलत है इनमें से, तो बता सकते हो आप आराम से इसमें। सेला पास जो है आपका, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अरुणाचल में है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में, तो ये गलत है। बोमडीला सही है, रोहतांग सही है, चांगला भी सही है। वैसे आप कहोगे सर चांगला पास तो लद्दाख में, हाँ, तो जब ये सवाल पूछा गया था तब जम्मू कश्मीर था, है ना, क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी जब से बना है, तो चांगला इस टाइम अगर आपसे पूछेगा तो इस टाइम लद्दाख में आता है। किस में आता है चांगला पास, लद्दाख में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। पासेज हैं इसमें भी, जैसे बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल, पालघाट केरल, ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं है बताइए इसमें। तो बहुत ही आसान है, आपको बताओगे जो घाट हैं ये सब नीचे हैं वेस्टर्न घाट साइड, तो भोरघाट पास जो है ये महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। बोमडीला अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, ठीक है। अगले में भी आपको मैचिंग करनी, सारे पासेज आपके रिकॉल हो गए। देखिए यही फ़ायदा होता है जब आप इसको करते हैं ना, इस सीरीज़ को अच्छे से, तो आपका सब रिवीजन हो जाता है। जैसे शिपकीला हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजीला कश्मीर, कौन सा गलत मैच कर रहा है, तो आराम से बता सकते हो। अरे सर उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई पास है, है ना, तो लीपू लेक पास उत्तर प्रदेश में ना होके उत्तराखंड में, बाकी जो जिला कश्मीर, नाथुला सिक्किम, शिपकीला हिमाचल प्रदेश। 188 देखते हैं, कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज द वे टू ले। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, जोजीला, शिपकीला, चुंबी वैली या बनिहाल पास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ले जाने का रास्ता कहाँ से है, तो जोजीला पास से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जोजीला पास, ठीक है। अगला है, इन विच स्टेट इज नाथुला पास लोकेटेड। नाथुला किस राज्य में है भाई, अरुणाचल, असम, मेघालय, सिक्किम। तो अभी ऊपर बताया था आपको ना, नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम में है। अगला देखते हैं, 190, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, ये बताना आपको, जलेपला, लीपू लेक, नाथुला या शिपकीला। तो सारे ही देखिए रिवीजन हो जाएंगे आपके। तो उत्तराखंड में तो आपको पता है लीपू लेक है, तो आंसर तो हो गया आपका ये। जलेपला कहाँ है, सिक्किम में। जलेपला पास कहाँ है, सिक्किम हो गया। नाथुला पास कहाँ है, ये भी आपका सिक्किम हो गया भाई, नाथुला। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर। सबसे बड़ा हिमनद कौन है इनमें से, कंचनजंगा, रुंदुन, गंगोत्री या केदारनाथ, इसमें कौन सबसे बड़ा है। तो आसान था दोस्तों, पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर इसमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है।
और ओवरऑल अगर पूछे पूरे भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर तो आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर। अब इनमें से भी आपको बताना विशालतम हिमनद कौन है। तो प्लीज़ एक चीज़ करिए, कहेंगे तो मैं ही आपको एक लिस्टिंग करा दूंगा। भारत के जितने ग्लेशियर्स हैं ना, ग्लेशियर्स या हिमनद भारत के, वो प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 हैं, बड़े से छोटे में है ना, किस कौन कितना बड़ा है प्लीज़ इसको, क्योंकि पूछेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे गंगोत्री है, पर यहाँ पे सियाचिन ऑप्शन दिया है, तो सियाचिन हो जाएगा। अगर सियाचिन नहीं होता तो हम गंगोत्री कह देते। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर जहाँ पे उत्तराखंड त्रासदी भी आई थी, कहाँ पे है ये सबको पता है, केदारनाथ में है भाई, पर कहाँ पे है केदारनाथ में? केदारनाथ के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो केदारनाथ के उत्तर में था भाई, ये केदारनाथ मंदिर था, उसके ऊपर था ये चोराबारी ग्लेशियर जो फटा था, है ना। तो ये हो जाएगा सी आंसर इसका। अगला कह रहा है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊ और क्षेत्र में अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊ रीजन ऑफ उत्तराखंड? हिस्पार, जेमू, मिलाम या रूपल? तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको सारे हिमनद लर्न करने होंगे एग्ज़ाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए ला दूंगा। तो उत्तराखंड के कुमाऊ में है आपका मिलाम, कौन सा मिलाम? ठीक है, क्योंकि हिस्पार की बात करें तो ये जो पीओके का रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान काराकोरम रेंज में मिलेगा आपको। जेमू ये ग्लेशियर आपको सिक्किम में मिल जाएगा, सिक्किम में। रूपल ये भी आपका पीओके में ही मिलता है, ठीक है, जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है ये भी वहाँ मिलेगा। मैं आपको ग्लेशियर करा दूंगा, परेशान नहीं होइए। और दोस्तों एक चीज़ और, जब कोई चीज़ जैसे टेस्ट सीरीज़ है, पेड ग्रुप है, कोई चीज़ का मैं एडवर्टीज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ, तो बहुत लोग बताते हैं ना बेच रहे हो भाई, हर चीज़ फ्री नहीं मिल सकती भाई। आप क्या फ्री में जॉब करोगे क्या? हर चीज़ फ्री कर सकते हो आप? हर चीज़ फ्री कौन दे सकता है? क्या जियो का डाटा फ्री मिला क्या सरकार? हमें तो सरकार क्या बेनिफिट देती है, हम आपको बताइए। जो बहुत गरीब होता है उनको तो चलो राशन में मिलता है, कुछ फ्री नहीं मिलता भाई, कुछ चीज़ें तो पे करनी पड़ेगी। अभी मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ, रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आदमी को सैलरी मिलती है, उसको भी पैसा चाहिए होगा। आपको कंटेंट मिलेगा तो आपको भी कुछ पे करना पड़ता है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत एक आपसे ऐसे तो डोनेशन तो मांगा नहीं जाता कि प्लीज़ 100-200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब के सारे, यूट्यूब कुछ नहीं देता भाई, यूट्यूब में जो मिलियंस में व्यूज़ होते हैं भाई, जिनके पास स्पॉन्सरशिप आती है, जैसे न्यूज़ चैनल एडवर्टीजमेंट आता है, ये सब थोड़ी हम लोग करते हैं ना। आपको अच्छा कंटेंट देते हैं, तो कभी कभी टेस्ट सीरीज़ है, पेड कुछ है, आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी, है ना। इतना लेटेस्ट एंड पैटर्न की आपको टेस्ट देते हैं, वो भी इतने कम प्राइजेज में। चलिए 195 देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, ये बताना। वाई इज़ धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू? तो कोई चीज़ क्यों भाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई के कारण? कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाना? खनन उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा भाई, तो वहीं पे तो लोग बसेंगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको। ठीक है, दंडकर्णिया क्षेत्र कहाँ पे है भाई? दंडकर्णिया रीजन कहाँ पे लगता है ये? तो दंडकर्णिया रीजन आपका लगता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, बहुत फेमस है दंडकर्णिया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो हर बार ही आता है दंडकर्णिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड इनटू? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है भाई? नहीं, जैसे हमारी लैंड बाउंड्री होती है, ऐसे समुद्र में भी नॉटिकल माइल्स की क्या होती है? बाउंड्री होती है। तो 3 नॉटिकल माइल, 6, 12 या 24? तो ये लगता है दोस्तों भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट, है ना, भारत के तटों से, चाहे इधर इधर हर तट से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब 1 नॉटिकल माइल आपसे पूछ ले कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है ना। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो कितना बनेगा 12 नॉटिकल माइल का? 23 किलोमीटर के आसपास बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में, बताना है आपको। तो अगर आपको पता हो दोस्तों, पहले एक चीज़ याद रख लीजिए, भारत के कितने राज्य और कितने यूटी आते हैं आपके? तो भारत के 9 राज्य आते हैं कोस्टल स्टेट में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा वगैरह। और यूटीज़ अगर पूछ ले कितनी है, नंबर जरूर याद रखना, 9 स्टेट हैं, 4 यूटी आती हैं। कौन कौन सी? गोवा, ठीक है, सॉरी गोवा कह रहा हूँ, मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, दादा नागर हवेली, दमन दिवेक हो गया और पुडुचेरी, है ना। ये 4 जो है ये कोस्टल पे आती हैं, जिनमें से सबसे लंबा कौन है? गुजरात का तट। किसका? गुजरात का तट। ठीक है, चलिए 199 देखते हैं। अब ये सी बीच और ये स्टेट है ना, समुद्र तट है और राज्य है, जैसे दीघा, गोपालपुर, कलंगुट और मरीना, ठीक है,
कौन सा बीच कहाँ पे है ये आपको मैच करना होगा। तो देखिए दीघा जो बीच है ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर समुद्र तट उड़ीसा में है। कलंगुट आपको पता ही होगा गोवा में है। और मरीना बीच आपको पता होगा तमिलनाडु में। ठीक है, इसको करने का तरीका जो बेस्ट था वो ये था कि कलंगुट बीच तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, आपको पता ही है गोवा में, तो सी का चार आपको दो जगह दिख रहा था तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाते। और इनमें से मरीना बीच भी काफ़ी फेमस है तमिलनाडु का, तो जो कि डी में एक दिख रहा था वो यहाँ पे हो गया और सी का चार यानी बी हो गया सही आंसर, है ना। तो इसका क्या हो जाता? बी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 200वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कॉमरिन। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थ सिरकार, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। आइए इन चारों ही को मैप में देख लेते हैं। ये देखिए आपको ये दिख रहा है नदन सिरकार जो कहाँ पे आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहाँ महानदी है आप देख सकते हो। ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट लगता है आपका ये पूरा इधर कृष्णा नदी वाला क्षेत्र। ये लगता है आपका मालाबार कोस्ट जो कि केरल के साइड लगता है और थोड़ा सा तमिलनाडु में भी है। ये कन्नार कोस्ट है, कन्नार कोस्ट जो पूरी तरह से कर्नाटक में आता है। और कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में आ जाता है और थोड़ा हिस्सा गोवा भी कह सकते हो आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? कृष्णा डेल्टा और केप कॉमरिन। केप कॉमरिन क्या है भाई? ये जो ये हिस्सा होता है ये भारत की टेप, इसको केप कॉमरिन कहते हैं, कृष्णा डेल्टा से केप कॉमरिन। तो ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट। कौन है? कोरोमंडल कोस्ट। नदन सिरकार भी देख लिया, मालाबार भी, कोंकण भी। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं इसको समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो एक लाइक तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लगातार। इनिशिएटिव आप इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही जगह। और हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत सारे उसमें कोर्सेज आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे रिवीजन के लिए आप।